जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो? मूवी के स्क्रिप्ट में डायलॉग के नाम पे गिरगिट की टट्टी कर दी और अब खुद ही गिरगिट बने बैठे हो। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है और आपने वो सीमा पार नहीं करी है, आपने वो सीमा मिटो ही दी है। साले तू। तो मेरा मन तो था कि सेकंड पार्ट में बनाओ, फिर आप लोगों ने भी बोल दिया कि बनाओ बनाओ, फिर क्या आ गए हम? जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाकर के जरूर देखना। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले आदि पुरुष के राइटर की, जो जूता सूंघ के, क्या जूता खोल के, अच्छा सॉरी, जूता खोल के डायलॉग लिखते थे। इतने झूठ मारूंगा। वैसे तो ये खुद को और अपनी टीम को इतना डिफेंड कर रहे हैं जितना अगर रिलेशनशिप वाले लोग चीट करने के बाद खुद को। मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना यार, मैं नहीं खेल रहा, मेरी गलती नहीं है, बस हवा निकल गई। लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हैवीली प्रेरित हैं, बहुत हैवीली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं। देखिए रामायण से तो प्रेरित आप जरा सा भी नहीं लग रहे हैं, हाँ पर दोगलेपन से बहुत ज्यादा लग रहे हैं। फिल्म रिलीज से पहले कि हाँ हमने रामायण पे मूवी बनाई, बहुत बढ़िया मूवी है, आप सब लोग जाइएगा थिएटर में देख के आइएगा, मजा आ जाएगा। फिल्म रिलीज होते ही जी हमने तो रामायण से ना इंस्पिरेशन ली थी, हम प्रेरित हुए थे उससे, हमने कुछ नहीं किया। अब तो सच बोल दे के? हमने तो रावण को भी क्रूट बना दिया जी, उसके हाथों में से लटे निकल रही हैं, जबकि रावण तो राजा था, सोने के महल में रहता था। हम तो जी बस प्रेरित हुए हैं मार्वल से। सबके सब चोर हैं साले। और हम संपूर्ण रामायण भी नहीं बना रहे हैं, हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने दिखाया है। हम संपूर्ण रामायण नहीं बना रहे, हम तो मुगल शासन नहीं मार्वल से, अरे नहीं नहीं, हम तो रामायण से इंस्पायर्ड है। अरे भाई सिर्फ आपको बॉलीवुड स्टाइल फिल्म बनाना था तो हमारा देश का लोग का फीलिंग हर्ट काहे किया? आप रामायण नहीं बना रहे थे ना तो क्यों रखे कैरेक्टर्स के नाम भगवान के नाम पे? क्यों लोगों को बोला आओ देखो हम नया तरह से रामायण बनाया है? अरे सर इंटरव्यू में बकबक करने से पहले सोच तो लेते। खैर छोड़ो, बोल भी किसको रही हूँ, जिसने इतना गंदा डायलॉग लिखने से पहले नहीं सोचा वो अब क्या सोचेगा? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। संस्कृत में लिखी हुई रामायण को बाबा तुलसीदास ने अभी तकरीबन 450 साल पहले अवधि में क्यों लिखा, ये बात कभी किसी ने सोची? गुड क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण अवधि में इसीलिए लिखी ताकि हमारे आपके जैसे लोग इजीली पढ़ पाए, पर आप तो अपनी ही इमेजिनेशन में जी रहे हैं। खुद की रामायण लिख लेता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गोबर फराका तुम्हारे भेजे में। खुद को डिपेंड करना ठीक है, पर इतना भी मत करो ना कि पूरा देश तुमको दिमागी रूप से बीमार समझ ले। ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा, लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। आजकल के बच्चे अपने दोस्तों को जोड़ अपने भाई बहन तक को गाली देने लग जाते हैं, तो क्या आप रामायण जैसे पवित्र चीज में वो भी डाल देंगे? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और रही बात कनेक्ट करने की, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल की जनरेशन जैपनीज एनिमे, के ड्रामा, हॉलीवुड सब देखती है, चाहे उन्हें सबटाइटल लगा के ही समझनी पड़ जाए। पता है क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है। तो आप हर इंटरव्यू में बच्चों का नाम लेकर के, आज की जनरेशन का नाम लेकर के उन्हें बदनाम ना करें। You better understand. क्योंकि कलम आपका, पेपर आपका, फिल्म आपकी और बदनामी भी आप ही की। कृपया करके हमारा नाम बदनाम ना करें कि इन्हीं बच्चों की वजह से, हाँ ये बच्चों की वजह से हमने छपरी डायलॉग लिखे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। वे यार खड़े भी तो किसके पीछे, बच्चों के पीछे। बच्चों बचा लो, तुम्हारे वजह से किया है मैंने बच्चों। बार बार झूठ बोलो। वो श्री राम की तरह बात नहीं करते, बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। एक मिनट, ये क्या बोला आपने? बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। भक्त हैं वो बात सही है, वो हैं, पर भगवान नहीं है। कौन है ये पागल आदमी? कौन सा नशा कर रहा है ये आदमी? वो ढीठ बच्चे नहीं होते जिनको मम्मी अपने साथ मार्केट लेके जाती है, बोलते मम्मी दिला दो, नहीं दिलाओगे तो यहीं लेट कर रोने लग जाते हैं। ये वही बच्चा है, अपनी बातों में खुद ही फंसे जा रहे हैं, फिर बात घुमा फिरा करके ढीठ की तरह डटे हुए कि हम गलत नहीं है, हमने जो बनाया है ना काबिल तारीफ है, देखो बढ़िया है। कोई तरीका है भीख मांगने का? अच्छा चलो मान लिया आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, ना ही आपने रामायण देखी रामानंद सागर जी वाली, पर आपने हनुमान चालीसा तो कभी पढ़ा होगा ना जीवन में अपने, या फिर सुना होगा कहीं पे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है शंकर स्वयं केसरी नंदन, मतलब हनुमान जी जो है वो शिव का रूप है, और ये कह रहे हैं बजरंग बली भगवान नहीं है। भगवान कैसा आदमी है यार।
या भगवान उठा ले मेरे को नहीं, इस आदमी के कलम को उठा ले, ना रहेगा ना ये लिखेगा ना ही इंटरव्यू में कैसी बेतुकी बातें करेगा। माँ सीता रावण से उसकी अशोक वाटिका में उसकी कैद में घिरी हुई है, उसके सैनिकों से घिरी हुई है, और माँ सीता देखिए निर्भीक है, उनकी आंखों में डर नाम मात्र का नहीं है। मां सीता रावण से आंखें मिला के कहती हैं कि तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है रावण कि जानकी का प्रेम खरीद सके। ये डायलॉग्स फिल्म में नहीं है, ये मैं अभी बना के बोल रहा हूं। जी बिल्कुल है ये डायलॉग आपके फिल्म में, पर इसका मतलब ये तो नहीं है आपके दो चार अच्छे डायलॉग देख करके हम 100 खराब डायलॉग इग्नोर कर दें। कोई सेंस है आपकी बात का? बाहुबली भी तो आप ही ने लिखी थी ना, उसमें क्यों नहीं थे इतने बदतमीजों वाले डायलॉग? वो क्यों देखा आजकल के बच्चों ने? उसमें तो लैंग्वेज भी टपोरी वाली यूज नहीं की थी आपने? मतलब जब भी आप फिल्मी कूड़ों को कुछ फन करने का मन करता है तभी आप हमारे धार्मिक चीजों का मजाक बना देते हो। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं लिखनी। आपसे तो ठीक से हिंदी में लिखी गई, संस्कृत की क्या ही उम्मीद करें हम। पर लो जी ये आदमी बहरा भी है, क्योंकि अगर आपने पहले वाली रामायण देखी होती ना तो आपको पता चल गया होता कि उसमें भी बहुत कठोर संस्कृत का यूज नहीं किया गया है। वही देख करके हम बड़े हुए हैं और आज के बच्चे भी वही देख रहे हैं। इतनी तो कठिन नहीं थी यार संस्कृत, साधारण हिंदी थी, उतनी समझ में आई जाती है। और दो चार शब्द जो नहीं समझ में आते हमारे माँ बाप किस लिए हैं वो बताएंगे ना हमें, गूगल किस लिए है वो बताएगा ना हमें। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग हैं जो फिल्म को टारगेट आज से नहीं डे वन से कर रहे हैं। हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया। अच्छा चलो ठीक है, फिर फिल्म की बात ही नहीं करते, हम ट्रेलर की बात करते हैं। छोटा सा क्लिप उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। जहाँ पे रामायण का नाम आ रहा है वहाँ पे आपसे प्योर लैंग्वेज शुद्धता की उम्मीद भी ना करें। वाह, एक चीज को पकड़ के बैठ गए हैं ये, हमने तो आदि पुरुष बनाई है जी, रामायण नहीं बनाई है हमने, तो इंस्पिरेशन लिया है बस, इंस्पिरेशन, प्रेरित हुए हैं हम, बच्चों के लिए बनाई है हमने, बच्चों के लिए। हाँ छपरी रावण, हाँ गंदे डायलॉग्स, हाँ कॉन्ट्रोवर्सी, हाँ नहीं मानेंगे अपनी गलती। तुम्हें शर्म है कुछ? मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है अंदर से, मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। हाँ तो वो फिर आप ही के बच्चे होंगे ना जो आदि पुरुष देख के बैठे होंगे। फिर उनको कहाँ से पता चलेगा राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, माँ सीता कैसे थे, कहाँ से पता चलेगा उनको? हम और हमारे यहाँ के बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते हैं स्टोरी। तो आप हमारे यहाँ के बच्चों की नहीं अपने बच्चों की फिक्र करें, क्योंकि उन बेचारों को तो ये तक नहीं पता कि विभीषण ही था जिसने राम जी को बताया था कि तीर मारनी कहाँ है। आपने तो फिल्म में दिखाया ही नहीं, मूवी में तो आपने दिखा दिया राम जी ने तीर मारा रावण मर गया। भैया विभीषण बताता है ना करके कि प्रभु देखिए आपको इधर मारना है, ऐसे मरेंगे वो, तभी तो कहावत चली है घर का बेदी लंका ढाए। अब बोलो आप है बच्चे क्या सीखेंगे आधे पुरुष से, नहीं पता। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए? 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है, ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है। ओह क्राई बेबी, ऐसा लग रहा है अभी रो देंगे। पहली बात, अगर ये कोई नॉर्मल बॉलीवुड मूवी होती तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप लिखो जैसे तैसे डायलॉग, पर ये मूवी आपने राम जी पे बनाई है, और भाई हम ऑडियंस है, हम तो क्रिटिसाइज करेंगे ही ना, हमें नहीं पसंद आया डायलॉग, हमें नहीं पसंद आई मूवी, क्या कर लोगे सालो? अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो। जो डायलॉग्स आपने गलत लिखे हैं वो हैं गलत, 2 अच्छे डायलॉग बोल के आप उसको कवर अप थोड़ी कर सकते हैं। नॉनसेंस, भगवान पे मूवी बना रहे यार, भगवान पे, किसी अरे यारे पे नहीं भाई, बहुत ज्यादा ढीठ आदमी है, बहुत ज्यादा। आधे इंटरव्यू में तो ये कह रहे थे कि थिएटर में जाओ आप मूवी देखो, नई तरीके की मूवी है, मजा आएगा, पैसा फालतू है हमारे पास, जो जाए लोग देखने। लिखा गया। और रही बात जय श्री राम के नारे से लोगों को दिक्कत है इसलिए वो थिएटर में नहीं जा रहे देखने के लिए, तो भैया जो मूवी भगवान के ऊपर भी नहीं होती ना, उस मूवी में भी जय श्री राम के नारे से थिएटर गूंज जाता है, समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। और आप बात कर रहे हैं कि हमें जय श्री राम के नारे से दिक्कत है, शर्म करो यार, हद हो गई है, ये तो ज्यादा हो गया। आप
गाइस मुझे नहीं पता तुम लोग कुछ कमेंट करो या मत करो, जय श्री राम कमेंट जरूर करना है अब तो। और इस मूवी से अच्छा घर में बैठो रामायण देखो पुरानी वाली, या फिर रामचरितमानस लेके आओ वो पढ़ो आराम से बैठ के, और इन डोंगी सनातनियों से दूर रहो। धन्यवाद। ओके सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, होप आप लोग को वीडियो पसंद आई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। राधे राधे।